फाइनली हमारा चना अंडे तैयार हो चुके हैं और ये हमारा फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं अंडे चने बनाने जा रहा हूँ। चलो यार शेयर करता हुआ चलूँ आप लोगों के साथ में, तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की हमारी बहुत ही स्पेशल डिश बन रही है अंडा चने की। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगा, ये मैं इसमें ऑयल ऐड कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 यानी 100 ml आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आइए इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगा, सही है, ये मैंने लिया है, 1 teaspoon लिया है मैंने, ओके। उसके बाद 3 बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगा, सही है, और 1/2 inch की जितना मैंने इसमें दालचीनी ऐड करना है, सही है। आइए इसमें ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसको ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, ये स्पाइसेस हमारे हल्के से ब्राउनिश होने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा, ये 2 टेबल स्पून है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा हल्का सा ब्राउनिश जैसी हो जाएगा तो मैंने 1 पाव प्याज और 1 पाव टमाटर इसको ब्लेंड कर दिया है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम थोड़ा तेज कर लेंगे, इसको इसमें इसको ऐड करेंगे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है ग्रेवी में से, इसमें मैं अभी धनिया ऐड करूँगा हसबे जायका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया ऐड कर दिया, अब इसमें धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगा। धनिया पाउडर 1.5 tablespoon, हल्दी 1/2 teaspoon, लाल मिर्च 1/2 teaspoon, नमक हसबे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon और ये क्रश की हुई चिल्ली है, लाल साबित मिर्च को क्रश किया मैंने, तो ये 1 teaspoon है, सही, ये इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसको हम शेक करेंगे। उसके बाद मैं इसमें चिकन क्यूब्स ऐड करूंगा, ये ऑप्शनली है, आप चाहे ऐड करें या ना करें, लेकिन इससे ऐड करने से चने का मज़ा और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चने और मुर्गी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है आपस में, तो उसका जायका इसमें होना चाहिए, अंडे के साथ साथ इसका जायका भी उसमें होना चाहिए चिकन का। चलिए इसको भी ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दूसरा, तो इसको शेक करेंगे।
जैसे ही मसाले हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, दही, मसालों ने हमारा ऑयल अलग कर लिया है, ठीक है, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस पे मैं योगर्ट ऐड करूंगा, दही 170 ग्राम है, यानी आधा पाव दही इसमें ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शेक करेंगे। दही डालने के 5 मिनट के बाद इसमें मैं अब चने ऐड करूंगा। मैंने 400 ग्राम के चने लिए हैं, सही है, आप लोग बॉयल करके पका सकते हैं चने, ऑलरेडी मैंने बॉयल चने लिए हैं। तो अगर आप लोग चने रेडीमेड लेकर आएँ तो उसको रात से भिगो दीजिएगा सोडा डालकर, और सुबह उसको बॉयल कर लें, उसके बाद आप कुक के लिए उसको पका सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये रेडीमेड चने लिए हैं, 400 ग्राम में मैं अब इसमें ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑलरेडी बॉयल है। चने इसमें मिक्स करने के बाद 5 मिनट के बाद अब इसमें टाइम आ गया हमें इसमें ग्रेवी बनाने का। आपको ग्रेवी कितनी पसंद है अपने हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। चले आइए, मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया। फाइनली पानी डालने के बाद ऑयल हमारे ऊपर आ चुका है। अब उसके बाद हम इसमें अपने एग ऐड करेंगे, अंडे, जो कि चने की जान है। और मेरे पास 3 मुफ्ते हैं तो मैंने 6 अंडे यूज़ किए। अगर आपके पास 5 या 8 मुफ्ते हो तो उस हिसाब से आप लोग अपने ऐड कीजिएगा। तो ये मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं अंडे इसमें ऐड कर दिए मैंने, और इसको अब हम शेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह, अंडे चने हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आइए इनका फाइनली लुक चेक करते हैं। फाइनली हमारा चना अंडे तैयार हो चुके हैं और ये हमारा फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।